हे गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टी क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एचटीएमएल लिखे रखा है मैंने और ऑर्डर 1, 2, 3 और 4। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहूँगा, ऑर्डर प्रॉपर्टी जो है हम यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्सिव में हमें बहुत काम आने वाली चीज़ है ये। और जैसे कि आपने अगर मेरा पूरा वीडियो कोर्स फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने लास्ट ग्रिड सिस्टम जो बनाई थी फ्लोट से रिलेटेड, तो वहाँ पर भी पुश एंड पुल के क्लासेस हम लोग ने बनाए थे जो लेफ्ट और राइट, बस वही कंसेप्ट है। बस ये यहाँ पर जो है ना फ्लेक्स से रिलेटेड है। ओके, तो ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टी वही काम करती है और ये बहुत ही ईजी होने वाला है अभी। तो यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर बेसिकली करता क्या है। तो देखिए आप पहले तो आप HTML देख लो, ये सिंपल सा मेरा HTML है और यहाँ पर जो है ये सेम CSS मैंने रखा हुआ है और वो बॉर्डर वगैरह सारी चीज़ें मैंने अब निकाल दी है, सेम चीज़ रखी है। और यहाँ सिर्फ मैंने किया क्या है, देखिए चारों कॉलम्स को ऑर्डर ज़ीरो करके रख दिया है। अब पहली चीज़ समझ लो, देखिए ऑर्डर जो है ना ये सिंपली आपको इस तरह लिखना है, ये ऑर्डर प्रॉपर्टी है फ्लेक्स में और ये चाइल्ड प्रॉपर्टी है। और दूसरी चीज़, ये जो ज़ीरो लिखा है, ज़ीरो का मतलब यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। ओके, तो अगर ये आपने लिखा भी नहीं, मान लो आपने ये नहीं लिखा, मैं सेव करता हूँ, तो भी देखिए आप सभी की ऑर्डर जो है ज़ीरो होने वाली है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट इसकी जो ऑर्डर होती है वो ज़ीरो ही होती है, बराबर। तो फिर से मैंने देखिए सभी को ज़ीरो लिख दिया। अब ये 0000 के वजह से देखिए अपने अपने जगह पे यहाँ पर है, राइट, इतना क्लियर है। अब मान लो यहाँ पर जो ऑर्डर नंबर 4 है, ये कॉलम है, इसको मुझे नंबर 1 के पहले डालना है। तो देखिए पहले तो आपको नंबर समझना है यहाँ पर, मतलब आपने अगर ग्राफ ग्राफ में देखा होगा या फिर एक्सिस में देखा होगा, ये तो आपको पता ही होगा ना, एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, तो ये एक्सिस में कैसे होता है। देखिए यहाँ पर आपने अगर लिखा 0 फिर 1 फिर 2 और 3, राइट। अब 0 के पहले क्या आएगा ये तो आपको पता है, राइट, ये बेसिक है। ये -1, यहाँ पर -2, फिर पहले क्या आता है, -3 आता है, बराबर। तो ये कुछ इस तरह होता है। तो अगर आपने यहाँ पर देखिए हमें, मैंने अभी क्या किया है, 0 दे दिया है। अगर मैं 4 वाले को बोलता हूँ आप क्या करो, यहाँ पर -1 करो, तो ये क्या होगा, 0 के पहले आ जाएगा। देखिए ये पहला वाला 0 है तो इसके पहले आ जाएगा और बैठ जाएगा। तो मैं सेव करता हूँ, अब देखिए आपका ये जो यहाँ पर चला आ जाता है, ठीक है, अभी समझ में आ गया। तो ये -1 देता हूँ ना, तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव वैल्यूज़ भी आप देख दे सकते हो। अगर -2 देते हो तो 2 में भी वो वहाँ पर ही रहेगा क्योंकि उसके आगे 1 नहीं है, मतलब 0 0 ही है, -1 नहीं है, बराबर। तो ये वैसे ही काम करेगा, ठीक है। तो इसको -1 फिलहाल मैं रख देता हूँ, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए अगर मैं बोलता हूँ, ओके, अच्छी बात है, आपने इसको -1 दिया, तो चलिए मैं इसको बोलता हूँ जो 3 नंबर है, अगर मैं इसको -2 देता हूँ तो ये क्या होगा, तो देखिए 4 के पहले यहाँ पर आ जाएगा, बराबर, क्योंकि ये -1 है तो उसके पहले आता है -2, बराबर। तो इसी वजह से मैं इसको भी बोलता हूँ चलो -3 दे दो, तो देखिए ऑर्डर 2 भी आपका पहले आ जाएगा और ये देखिए लास्ट में चला जाएगा क्योंकि इसका जो नंबर है ना, इसका ये 0 नंबर है, बराबर। इस वजह से देखिए पहले -3 दिख रहा है आपको, जो ऑर्डर 2 को दिया है आपने, ऑर्डर 2 दिख रहा है, बाद में -2 दिया है किसको, कॉलम नंबर 3, मतलब देखिए ऑर्डर 3, इसके बाद -1 है 4 नंबर को, तो देखिए 4 नंबर तीसरी बार दिख रहा है, और इसके बाद 0 दिया है आपने देखिए चाइल्ड नंबर 1 को, और ये आपको लास्ट में दिख रहा है, बराबर। बात समझ में आ रही है, तो बस यही है ऑर्डर, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो एक चीज़, अच्छा इतना तो समझ गए आप, चलो एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर मान लो देखिए मैंने सभी को अभी 0 0 रखा है, राइट। अब 0 होने से क्या होगा, सभी 0 है, बराबर, तो सभी 0 है, तो यहाँ पर देखिए अब मैं क्या करता हूँ, अब मान लो कि यहाँ पर इसको चलो हम लोग क्या करेंगे, 4 नंबर को मैं 1 देता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, अब ये जो है ना ये कहाँ पर जाएगा, ओके, तो ये जो है हमेशा 3 के बाद ही यहाँ पर रहने वाला है। देखिए मैं सेव करके आपको बताता हूँ, दिख रहा है, क्योंकि इस सिचुएशन में क्या हुआ, 0 0 0 और फिर 1 आ रहा है, बराबर। तो ये 0 0 0 पहले ही रखेगा और बाद में 1 रखेगा, मतलब ये ऑर्डर 4 वाला कॉलम जो कि आपने यहाँ पर 1 नंबर दिया हुआ है। अगर मान लो आपने इसको नंबर 1 दिया तो ये भी अपने जगह पे ही रहने वाला है क्योंकि इसके पहले 2 0 है, राइट। अब मैं सेव करता हूँ, तो देखिए अभी भी इसको भी 0 है, इसको भी 0 है, इसको 1 आ गया, इसके लिए 1 उसके जगह पे है और इसको भी 1 है, राइट, तो वो बाद में ही है इसीलिए वहाँ पर जगह पर है। अभी समझ में आ रही है बात,
तो ये ऑर्डर जो है ना, ये कुछ इस तरह काम करते हैं। पहली चीज यहाँ पर ये समझना है आपको, देखिए जीरो के पहले -1, -2, -3 भी अगर आप दोगे तो वो ऑर्डर पकड़ेगा, और अगर जीरो के बाद 1, 2, 3 अगर दोगे और उसके पहले अगर जीरो होता है तो देखिए ऐसा कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा। तो ये भी थोड़ी सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ओके गाइस, तो बस ऑर्डर से रिलेटेड और ज़्यादा कुछ नहीं था, यही चीज़ है। सिर्फ यहाँ पर आपको मुझे यही बताना है कि जब भी आगे देखिए हम लोग प्रोजेक्ट में भी बनाने वाले हैं, तो वहाँ पर भी आपको मैं एग्जांपल दिखाऊंगा और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा मीडिया क्वेरीज के साथ हम लोग उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसे सेम हम लोग ने पहले किया था पुश एंड पुल वाले क्लासेस, बस वही कंसेप्ट है। बस ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है ऑर्डर, और ये लिखने में ईजी है, समझने में ईजी है। तो वो कैसे ईजी है वो आगे हम लोग प्रोजेक्ट में देखेंगे। ओके गाइस, तो आई होप अभी आपको ऑर्डर प्रॉपर्टी जो है समझ में आ चुकी है। तो यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।